है, कोई कोई व्यक्ति गुर्दे की गुर्दे की बीमारी से ग्रसित है, कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रस्त है, तो ऐसे लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो तो घर से नहीं निकलना चाहिए, और अगर घर से निकलना आवश्यक हो तो अपना विशेष ध्यान रखें। अपने मुंह और नाक को हमेशा फेस कवर से ढककर रखें, हमेशा लोगों से दूरी बनाएं, और अपने हाथ को बार बार साफ करते रहिए, चाहे साबुन पानी से साफ करिए, चाहे सैनिटाइजर से साफ करिए। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 31,055 इलाकों में 175,322 टीम दिवस के माध्यम से 1,26,87,638 घरों का और 6,46,38,915 लोगों का सर्वेलेंस अभी तक हमारी टीमों ने किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि अब पुनः फिर से एक बार जिन इलाकों में संक्रमण है वहां पर हमारी सर्वेलेंस की टीमें घर घर जाकर के और जिनमें भी लक्षण हो उनकी पहचान फिर से करेंगी, और पहचान करके उनके यथाशीघ्र उनकी एंटीजन से जांच करवाई जाएगी जो लक्षणात्मक व्यक्ति हैं, और जो बाकी लोग होंगे उनके आरटीपीसीआर के माध्यम से उनकी जांच करवाई जाएगी। आपको ज्ञात है कि हमारे चिकित्सा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, जिसके अंतर्गत पर्याप्त बेड्स की 1,51,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था की गई है। परंतु फिर भी कुछ व्यक्ति जो चाह रहे थे कि हमें कुछ और सुविधाएं मिलें, उनके लिए एक सेमी पेड फैसिलिटी की व्यवस्था भी की गई है, जिसके अंतर्गत कई शहरों में अब होटल्स को, होटलों को सेमी पेड फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां डबल ऑक्यूपेंसी पर अधिकतम 2,000 रुपये की राशि नियत की गई है, अर्थात एक व्यक्ति को 1,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो 10 दिन अगर वहां वो रहते हैं तो 10,000 रुपया उनके रहने और खाने पर व्यय, और 2,000 रुपया उनसे प्रतीकात्मक चिकित्सा व्यय लेने की व्यवस्था की गई है। इससे वे आराम से कुछ सुविधाओं के साथ अपना अपनी जो अवधि है आइसोलेशन की उसको पूरी कर सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है कि बहुत सारे लोग अपनी बीमारियों को, अपनी बीमारी को उसके बावजूद भी छुपा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले होम क्वारंटाइन को इजाजत दी थी, अब उस पर विचार हो रहा है कि क्या कुछ शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को भी लागू कराया जा सकता है। जैसे ही इस पर अंतिम निर्णय होगा उन शर्तों के विषय में और निर्णय के विषय में, आपको हम फिर उसकी हम जानकारी आपको हम देंगे। कोविड हेल्प डेस्क से लगातार हमें सहायता मिल रही है, और अब तक 47,381 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना हो गई, जहां की आई इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर आदि भी उपलब्ध हैं, और लगातार इनसे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इससे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है, और अगर जैसे जो खास करके जो हेल्प डेस्क जो सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में बनाए गए हैं, वहां से लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान भी की जा रही है, और पहचान करके सूचना दी जा रही है, जिससे कि उनकी जांच पड़ताल करवाई जा सके। संक्रमण से हमें सावधान रहकर खुद को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है, और ये काम हम और आप मिलकर कर सकते हैं। अनलॉक के पश्चात सारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं, कार्यालय प्रारंभ हो गए हैं, बाजार खुल रहे हैं, यातायात के साधन चल रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का संपर्क आपस में स्वाभाविक रूप से बढ़ा है। तो जब लोगों का संपर्क आपस में बढ़ रहा है तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे में हम ये ना भूलें कि गतिविधियां तो प्रारंभ हो गई लेकिन संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, और संक्रमण अभी जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आती है या जब तक कि इसकी कोई एक बहुत कारगर दवा नहीं आती है, तब तक हमें अपना इससे बचाव करना है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बचाव के तरीकों का प्रयोग करके, उपयोग करके अपने आप को संक्रमण से मुक्त रखिए, और दूसरों को भी संक्रमण से बचाइए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज COVID-19 की बैठक ली। सर्वप्रथम उन्होंने बहुत बृहद रूप से होम आइसोलेशन के संदर्भ में चर्चा की।
पूरे प्रदेश में आपको मालूम है कि होम आइसोलेशन अभी तक अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन कतिपय शर्तों के साथ इस पर विचार करने के लिए उन्होंने माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, दोनों उनके अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के साथ एक कमेटी बनाई है। आज ही उस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की जा रही है और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर निर्णय लेकर कल तक होम आइसोलेशन के संदर्भ में नवीन आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। होम आइसोलेशन भी जो शर्तें होंगी वो बहुत ही सख्त होंगी, क्योंकि मानना यह है कि घरों पर यदि कोई रह रहा है कोविड पॉजिटिव, तो निश्चय ही उसको आइसोलेशन में इस प्रकार रखा जाए जिससे उसके परिवार के लोग या उसके संपर्क में कोई व्यक्ति ना आए और होम आइसोलेशन का सही लाभ उसको मिल सके। राज्य सरकार की ओर से हालांकि पर्याप्त बेड्स प्रत्येक L1, L2, L3 के उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार ये मांग की जा रही है लोगों से कि होम आइसोलेशन अलाउ किया जाए, तो उसी कड़ी में इसको जो है टेकअप किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जागरूकता अभियान भी तत्काल पुनः नए सिरे से चालू करने का निर्देश दिया है। सूचना विभाग के सभी अधिकारी इसको तैयार कर रहे हैं और कल तक इस पर भी निर्णय जल्दी ले लिया जाएगा। सभी जिलों में जो वहां के पुलिस के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, बृहद रूप से ऐसा पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाए कि चौराहों पर, सड़कों के पर, मेन रोड्स पर, जहां भी बाजार है वहां पर निरंतर कोविड से बचने का जो है रिकॉर्डेड मैसेज जरूर चलाया जाए, जिससे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि कोविड जो बीमारी है इससे बचने के लिए हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग करना है, 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क को पहनना जरूरी है। मास्क के बारे में बता दें कि पिछले 2 दिन में काफी व्यापक अभियान सैटरडे और संडे को, शनिवार और इतवार को पूरे प्रदेश में लागू किया गया। सभी जनपदों में नोडल ऑफिसर्स गए, सभी जनपदों में वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका देखा और उसका बृहद जो है फायदा भी मिला है। लखनऊ में आज जो है यहाँ के पुलिस कमिश्नर 50,000 मार्क्स उन्होंने जो है ग्राम विकास विभाग से लिए हैं और कल से ही कोशिश ये की जाएगी कि जो भी व्यक्ति यदि उसका चालान होता है तो साथ साथ उसको मास्क भी दे दिया जाए, जिससे कि समाधान भी हो जाए और चालान भी हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने बेहतर इम्यूनिटी के लिए यह भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है कि आरोग्य सेतु का ऐप का और आयुष कवच ऐप का भी जो है प्रभावी रूप से जो है इम्प्लीमेंटेशन हो। आज की तारीख में हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे देश में आरोग्य सेतु ऐप के 14.31 14,31,31,00,000 डाउनलोड हुए हैं, जिसमें से 2,44,00,000 डाउनलोड जो है उत्तर प्रदेश में हुए हैं, यानी लगभग जो है इसका एक बड़ा हिस्सा जो पूरे देश में है वो यूपी से शुरू होता है। और इसके लिए ये आवश्यक है कि लोग अपना आरोग्य सेतु ऐप को और अधिक डाउनलोड करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप को भी आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी ने